हे गाइस, दिस इज करण शर्मा और आप देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। कीप वॉचिंग इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट कि अनुजी शशि जी को उन्होंने इतना यूनिक कॉन्सेप्ट सोचा और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बिहाइंड द सीन जो लोग हार्डवर्क करते हैं, राइटर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, और इससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलेगा उन लोगों को भी, बिकॉज एज एन एक्टर हमारे लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं शोकेस करने के लिए हमारे टैलेंट को और मे बी अप्रिशिएट करने के लिए। बट ये जो चीज़ नई निकाली अनुजी शशि जी ने, तो उससे बहुत कुछ मतलब एक एक्साइटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा बिहाइंड द सीन। राइट। ITA एक्चुअली मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज ITA के साथ मैं लगभग 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये एक इकलौता अवार्ड शो है जिसे मैं मिस नहीं करता। ऐसा होता है कई बार आप शूट पे हो या कुछ कहीं बिजी हो तो आप नहीं आ पाते हो, बट मैं कोशिश करता हूँ अगर लेट लती भी हूँ तो मैं पहुँच जाऊँ, और इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज 17 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो ये इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर आप फील करते हैं कि आपका भी नाम वहाँ पर हो। अवार्ड जो मिलते हैं बेस्ट एक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस, वो वाली जो फीलिंग होती है ITA के लिए वो बहुत ज़्यादा है। इंडिपेंडेंस डे पे बस सभी को ये कहना चाहूँगा कि हम सब भारतीय हैं और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, जैसे आजकल हमने देखा बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में ये सब जो डिवीज़न चल रहा है वो सब ना करें। जैसे घर में भाई बहनों में झगड़े होते हैं छोटे मोटे, बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो फैमिली रहती है, तो वी ऑल आर फैमिली एंड वी शुड लव ईच अदर। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।